ओम शांति। मेरा लौकिक नाम मुकेश अंबवानी है और मैं राजकोट गुजरात से रहने वाला हूँ। यूँ तो बाबा के हमारे जीवन में काफ़ी अनुभव हैं, पर एक अनुभव ऐसा है कि जिसको हम बाबा का चमत्कारिक अनुभव भी कह सकते हैं। एक दिन की बात है, हम कुछ बीके फैमिलीज़ घूमने के लिए बाहर गई हुई थी और घूमते घूमते अचानक किसी का ध्यान मेरे युगल के कानों पर गया तो उन्होंने देखा कि मेरे युगल के कान की एक बाली नहीं थी, वह बाली सोने की बाली थी। उन्होंने मेरे युगल से यह बात कही तो मेरे युगल ने कहा कि कान की सोने की बालियां तो हमेशा उनके कान में पहनी रहती हैं, लगता है कहीं पर गिर गई हैं। तभी सभी उस बाली को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे और परेशान हो गए, लेकिन तभी बाबा ने मुझे एक संकल्प दिया कि यह बाली तो बाबा की थी, हम तो ट्रस्टी बनकर उस बाली को संभाल रहे थे। मैंने यह संकल्प सभी को सुनाया और कहा कि बाबा की बाली थी और बाबा को जिसको देनी थी उसको दे दी, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम सभी घूमने के लिए आए हैं तो उसके आनंद को व्यर्थ नहीं गंवाएं। फिर हम सभी घूमने में व्यस्त हो गए। फिर जैसे ही हम घूमकर घर पर जा रहे थे तो सभी ने कहा कि आप एक बार घर पर भी उस सोने की बाली को ढूंढ लीजिएगा। हम घर पर पहुंचे और हमने काफ़ी उसको ढूंढा पर वह नहीं मिली और हम उसी संकल्प के साथ निश्चिंत होकर सो गए कि बाबा की बाली थी, बाबा को जिसको देनी थी उसको दे दी। जिस दिन यह घटना घटी वह दिन शनिवार का दिन था। 5 दिनों के बाद शुक्रवार की सुबह को जब अमृत वेला करके मैं घर के हॉल में एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बैठा था, तभी मैं क्या देखता हूँ, वह कान की बाली हॉल के बीच में पड़ी हुई थी। वह ऐसी जगह थी जहाँ से रोज़ सफाई होती थी और हम वहीं पर पिछले 5 दिनों से बैठते थे और वहीं पे हम सब कुछ काम करते थे और वहीं से पास होते थे, लेकिन 5 दिनों तक वह बाली वहाँ पर नहीं दिखी। हम बहुत खुश हुए और बाबा को बहुत धन्यवाद दिया कि बाबा यह बाली आपने पवित्र करके हमें लौटा दी। हमें वह घटना एक पेपर के समान लगी और जिसमें हमें लगा कि हम निश्चिंत रहकर पास हो गए। इस अनुभव से हमें एक यह भी सीख सीखने को मिली कि अगर हम सब कुछ मन से बाबा को समर्पित कर दें और ट्रस्टी बनकर रहें तो जिम्मेवार बाबा हो जाता है और हम निश्चिंत बनकर जीवन का आनंद उठा सकते हैं। ओम शांति। धन्यवाद। अगर आपके भी बाबा के साथ के कोई ऐसे ही प्यारे अनुभव हैं तो कृपया हमें जरूर बताएं, क्योंकि बाबा की मदद के अनुभवों को सुनकर नशा चढ़ता है, हम बाबा के और भी करीब पहुंच जाते हैं। अगर आप अपना अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपना अनुभव भेजें। आप अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर ऑडियो भेजें या वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय अपने फ़ोन को इस तरह से रखें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्हाट्सएप नंबर केवल अनुभव शेयर करने के लिए दिया जा रहा है। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें और अपनी कोई भी समस्या से संबंधित प्रश्न ना पूछें। यदि आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए आप अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नंबर केवल अनुभव शेयर करने के लिए दिया जा रहा है। हम फिर आपसे जल्द मिलेंगे और भाई बहनों के चमत्कारी अनुभवों के साथ। तब तक बाबा की याद प्यार में रहें। ओम शांति।